इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नके चांद का सराम आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों पाकिस्तान में गुजतः चंद माह से मोबाइल सनत के नशेब नशेबराज जारी हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग मुतासर हो चले हैं और कुछ मुतासर हो रहे हैं इनमें बुनियादी सब मोबाइल सनत में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटीरियल और कंप्लीट मोबाइल फ़ोन पर दीगर अस्सी से जायद अशिया के साथ बैंड लगाना शामिल था उसके इसबाब कई हैं लेकिन फ़िलहाल जो मोबाइल सनत से ताल्लुक़ रखने वाले मोबाइल असम्बलिंग प्लांट है वो सबसे ज़्यादा मुसाविर मुता हो चुके हैं अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है जिसके तहत मोबाइल सनत पे जो एलसी की तलवार लटक रही थी कि कब खुलेगी अब खुलेगी तब खुलेगी वो इस मामले से बाहर होती नज़र आ रही है अलहमद हमारे हमारी जो एसोसिएशन्स थी उनके सरकर्दा लोगों के बिहाफ़ पर जो मुजरा किए गए जो वादे किए गए वो वफ़ा होते नज़र आ रहे हैं उसमें सबसे अहम पेशर रफ्त ये हो चली कि अज़ा से दो दिन पहले एल सी दस एल सी खोलने की परमिशन दे दी गई जिसकी आज पहला दिन जो ऑन हुआ वर्किंग डे के हिसाब से उसमें दस की दस मंजूर कर ली गई जिसमें चार एक मरूफ़ इदारे की पाँच जो एक काम कर रहा है असम्बलिंग बायसियत पाकिस्तान में इब्तदई दिनों में काम करने वाले इदारे की हैसियत से और एक कराची में वाक़ मरूफ़ इदारा जिसमें फीचर फ़ोन ज़्यादा और स्मार्टफ़ोन कम मिलते हैं यानी दस एल खोलने की परमिशन दी गई थी जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया अब ये होने क्या जा रहा है ये मैं उसको तफसील से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ होने ये जा रहा है कि हर जो भी मंगवाता है यानी 26 के करीब असम्बलिंग प्लांट पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उन्हें अब इंपोर्ट रॉ मटेरियल की इंपोर्ट के लिए जो मैंने आपको गुज्त वीडियो में बता चुके बता चुका हूँ कि इसमें 50 फिफ्टी परसेंट बल्कि फ़िफ्टी परसेंट से भी लेस जो हमने चार महीने के कैलकुलेशन आपको समझाई थी उसका एक महीने का रिज़ल्ट निकाल के बताया था कि इसका फिफ्टी परसेंट लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक फिफ्टी परसेंट से भी कम इंपोर्ट जो असम्बलिंग है उसके एलसी के ज़रिए कर सकेंगे और ये हर महीने का कोटा एक साथ दे दिया जाएगा आप चाहे बैग वक्त मंगवा लें आप चाहें उसको किस्तों में मंगवा लें ये अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान में एलसी खोल दी गई है और मोबाइल सनत को वापस जो हज़ारों बेरोजगार असम्बलिंग के लोग हो गए थे वो वापस अपनी ड्यूटी पर चले जाएंगे और ये मैं आपको इसमें अंदर की खबर देता चलूं कि ये परमिशन तो दे दी गई है अब हुकूमत जो डॉलर्स हैं उसकी अदायगी फ़िलहाल नहीं कर रही जो इदारे जिसके ज़रिए एलसी खोली गई है ये पोर्टल जो बैंकों के ज़रिए दी गई है स्टेट बैंक को उसमें जो सप्लायर हैं उनको पेमेंट थोड़ा ही देर बाद की जाएगी इतला ये भी गर्दिश कर रही है कि आईएमएफ के मामला तकरीबन हो चले हैं जिसके तहत जब वहाँ से पेमेंट आएगी तो ये पेमेंट लगा दी जाएगी इसमें टाइम लिया जाता है स्टेट बैंक की तरफ से पंद्रह दिन भी हो सकते हैं एक महीना भी हो सकता है पेमेंट लगाने में लेकिन जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर या असम्बलिंग के हकूक रखने वाले जो काम कर रहे थे असम्बलिंग के रॉ मटेरियल के लिए उनकी पेमेंटें एडजस्ट कर दी गई हैं और अब ये जो है आप जो दस एल सी खोली गई है मुस्तबिल में जो चंद दिन में मजीद भी खोल दी जाएगी और यह हर मंथली वाइज जो है ना कोटा दिया जाएगा जो मैंने आपको सारी चीज़ समझाई थी कि फिफ्टी परसेंट के करीब दिया जाएगा उसकी इब्तदा हो चली है और इसमें मैंने आपको बताया दस की परमिशन हुई थी दस मंजूरी भी हो गई है और उम्मीद है चंद दिन में उनका स्टॉक भी रिलीज हो जाएगा जो असम्बलिंग प्लांट में काम कर सकेंगे इसके साथ आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ वो ये है कि ये तो हो गई इसमें सबसे प्रायरटी जो दी जा रही है वो फीचर फोन के काम करने वाले फीचर फोन के मामला को हल करने वालों को ज़्यादा दी जाएगी उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में नाख्वदगी और ज़र मुबादला ज़्यादा ख़र्च ना करने का मैटर शामिल हाल रखा जाए और इसमें जिसम की इन्वेस्टमेंट कम होगी उसको मंजूरी देने का पहला मौका दिया जाएगा इसका मतलब ये है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन आपको इसके आगे की दे रहा हूँ कि बहुत सारे दुनिया के मारूफ ब्रांड शामिल है और दीगर चीज़ें शामिल हैं इसमें वो एक हाथ के अंदर यानी 200 डॉलर के अंदर की चीज़ें इतला के मुताबिक मंगवा सकेंगे इससे ऊपर के लिए प्रॉब्लम अभी खड़ी है जूँ की तू ये मैं आपको और ख़बर दूँ इस ख़बर के बाद कि इसके पीछे पस मंज़र में है क्या उसकी बुनियादी सबब ये है कि हुकूमत चाहती है कि ये चीज़ें जो रोज़गार से वस्ता है उन्हें फ़रोग दिया जाए बेरोज़गारी से बचाया जाए जो बाज़ गश गज रही थी सोशल मीडिया और मुझे से नाचीज़ बार बार ये रिपीट कर रहे थे कि कई असम्बलिंग प्लांट बंद हो चले हैं और कई बंद होने के आखिरी स्टेज पर पहुंच गए तकरीबन सब असेंबलिंग प्लांट बंद हो चुके हैं इक्का दुक्का के अलावा जिनके पास पड़ा हुआ था वो उनका वो क्लोज़ हुए में अपने ऑडिट के चक्कर में अब जो इतलात गर्दिश कर रही हैं उसके तहत ये आपके लिए बिल्कुल ओपन किया जा रहा है स्टॉक रिलीज हो जाएगा जैसे ही माल माल मार्केट में आएगा आपको फराहम कर दिया जाएगा दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुंच सके पाकिस्तान में पी यानी पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी जो है जो असम्बलिंग की परमिशन देता है और पीटीए अप्रूव करने के लिए बहुत सारे मैटर फ्राहम करता है कि इस पे यह ड्यूटी है और इस पे जो वैल्यूएशन लगा के उस तक फ्राहम की जाती है आपको हुकूमत पाकिस्तान का जो एम था जो जो प्लांट को परमिशन दी गई थी उसमें ये था कि पाकिस्तान की इम्पोर्ट कम और एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए जिसके तहत पाकिस्तान में तैयार होने वाले मोबाइल फ़ोन को दुनिया के कई ममालिक में एक्सपोर्ट करना शामिल था अब इसके लिए अमली तौर के पे मैं आपको गुज्त दिनों बता चुका हूँ कि पीटीए टी के चेयरमैन ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इधरिस मेमन की दावत पे कराची चैम्बर का दौरा किया वहाँ बहुत सारी बातें हुई उनमें यह भी उनको इलम में लाया गया कि पाकिस्तान में आप एक्सपोर्ट की तरफ जो जा रहे हैं उसके लिए समरी अपनी जानब से भेजें कि पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट पर रेबिट दिया जाता है उसकी जो तादाद है या जो उसकी मनी है जो या उसकी रकम है वो बहुत कम है वर्सेस दुनिया के कई ममालिक वियतनाम है भारत है बांग्लादेश है जो हमारे जैसे छोटे मुल्क यानी शुमार होते हैं तादाद के लिहाज से नहीं लेकिन मोबाइल सनत के हिसाब से वहाँ टेन पॉइंट एट से लेकर 12 बारह फ़ीसद तक दिया जाता है पाकिस्तान में सात फ़ीसद की आवाज़ें आ रही हैं जो पाकिस्तान में काम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और असम्बलिंग प्लांट के एसोसिएशन के सरकर्दा लोग हैं वो कहते हैं कि इसकी तादाद बढ़ाई जाए ताकि हम दुनिया में मुकाबला कर सकें अब इस सिलसिले में पीटीए ने एक कदम बड़ा उठा लिया है नेक्स्ट वीक जो आ रहा है बाहिर इतलात के मुताबिक क्योंकि आज हफ्ते का पहला दिन वर्किंग डे का इस लिहाज से पहला दिन है लेकिन ये क्योंकि आज बुध है दो दिन रह गए हैं इस वजह से नेक्स्ट वीक में जो इन आएगा उसमें पी टी ए पाकिस्तान के तकरीबन सारे असम्बलिंग प्लांट के मालकान और उनकी टीम के साथ एक इस्लामाबाद में इजलास करने जा रहा है जिसमें उन्हें एक्सपोर्ट का टास्क दिया जाएगा उन्हें बताया जाएगा कि आपने इस तादाद में करना है हुकूमत ये फैसिलिटी देगी आप हुकूमत को क्या इसमें ताउन दे सकेंगे तो ये एक बड़ी अच्छी ख़बर है और ये बहुत बड़ी ख़बर है कि पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान जो पाकिस्तान से बाहर मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करने के ख़्वाहिशमंद हैं उनके साथ एक कदम आगे बढ़ चुकी है पीटीए की तवसत से इसमें पीटीए की जो मौजूदा टीम है जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ बार बार के इंतहाई मेहनती और काम करने वाली टीम है जिससे अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत है और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानूनी ज़रा से कारोबार जारी रखा जा सके एक्सपोर्ट किया जाए इम्पोर्ट को कम किया जाए इसके लिए इजलास है उसमें क्या फ़ैसला होता है प्रपोज़ल दे दिया गया है एक्सपोर्ट के मामलों में हमारे एक मरूफ़ शख्सियत है जो एक बड़े इदारे में मल्टीनेशनल काम करते थे आजकल कर एक दूसरे इदारे में आ चुके हैं एसोसिएशन भी एक जो है उसके सरकर्दा रहनमा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा जहीन होने के बास ये बड़ा अच्छा प्रपोज़ल पेश करेंगे अपने जो उन्होंने दिया है उसके तहत अगर वो होता है फ़ैसला तो ये पाकिस्तानी असम्बलिंग प्लान्ट जो तैयार हो रहा है उसके लिए इन पाकिस्तान का नाम असम्बलिंग इन पाकिस्तान के हवाले से दुनिया भर में फैल जाएगा आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके तहत जो 200 जो एक्सपोर्ट है उसमें उम्मीद ये की जा रही है कि मिड रेंज के फ़ोन हैं उसे पाकिस्तान के असम्बलिंग प्लांट को तैयार करके पाकिस्तान के असम्बलिंग प्लांट में तैयार करके दुनिया भर में फरहम किया जाएगा इससे जहाँ एक तरफ पाकिस्तान को ज़र मुबादला हासिल होगा वहीं दूसरी जानब इम्पोर्ट करने में जो ज़र मुबादला खर्च होता है वो बचेगा और रोज़गार भी वापस बहाल हो जाएगा जो असम्बलिंग क्लोज हो गए हैं वो खुल जाएंगे जिसके तहत हुकूमत को टैक्स की मुख्त मद में जो हासिल होने वाली चीज़ें हैं जैसे बिजली है गैस है दीगर चीज़ें हैं उसमें उसको अच्छी रकम हासिल हो सकेगी एक बड़ी ख़बर कल इनशा आपके खिदमत में जिंदगी बखैर इनशा पेश करूँगा जब तक के लिए अल्लाह